स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए और मुख्य आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि विभव कुमार को सीएम निवास से गिरफ्तार किया गया। सिविल लाइन थाने पुलिस में पूछताछ कर रही है। स्वाति मालीवाल केस में पुलिस विभव कुमार को तलाश कर रही थी। 18 मई को पुलिस ने सीएम निवास से गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति ने आरोप लगाया था कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि मारपीट भी की थी। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने स्वाति मालीवाल से मुलाकात कर उनसे घटना के बारे में जानकारी ली थी। बाद में विभव कुमार के खिलाफ गैर जमानती धारा समेत आईपीसी के अन्य सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस विभव कुमार की तलाश में थी। विभव कुमार को सीएम निवास से गिरफ्तार कर पुलिस सिविल लाइन थाने में पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ पीए की गिरफ्तारी को लेकर आप लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संदीप नासियार का कहना है कि हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि हमें अभी तक इसकी कॉपी नहीं मिली। एफआईआर आदेश शाम 4 बजे तक सुरक्षित है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उसे बिना किसी सूचना के यहाँ लाया गया है। उससे पहले हम लोगों ने आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की थी कि वो एफआईआर जो पूरे देश में मीडिया के माध्यम से सारे जगह पे सर्कुलेट हो रही है, वो ऑफिशियल कॉपी अभी तक विभव कुमार जी को या उनके लॉयर्स को नहीं मिली है। उसके लिए एप्लीकेशन लगाई, वो 4 बजे ऑर्डर रिजर्व है, लेकिन अभी पता चला बिना किसी नोटिस के, 41A का नोटिस मैंडेटरी होता है, वो नोटिस सर्व बिना किए विभव कुमार जी को पुलिस लेकर आई है। अब हम अंदर जाके जानना चाहते हैं कि वो सिर्फ इंक्वायरी के लिए लेकर आए हैं या उनको अरेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन अंदर जाने से रोका जा रहा है, जो कि कानूनन बिल्कुल गलत। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं इंडियन न्यूज के सीईओ यशोवर्धन उमंग जी से। यशोवर्धन उमंग जी, आप ये बताइए कि विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद इस खबर में आगे क्या अपडेट आई है, उसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताइए। जी, जैसा आपने पूरी अभी खबर बताई आचल, इसके हवाले से आपने पूरी खबर बता दी है। और अपडेट का अगर मैं बताऊं तो अपडेट इतना है कि अभी बड़े बड़े जो नेता है जैसे राघव चड्ढा, वो मिलने के लिए गए थे विभव से। और इसके बाद एनएसडब्ल्यू की जो अध्यक्ष रेखा शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम उसमें छुपाए हुए थे विभव को। हालांकि अभी मेडिकल रिपोर्ट भी आई है स्वाति मालीवाल की, उसमें भी साफ साफ दिख रहा है। और जो वीडियो एक वायरल है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का, कि जिसमें देखा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर महिला सुरक्षाकर्मी और पुरुष सुरक्षाकर्मी घेर के उनको बाहर लाके कैसे उनका हाथ पकड़ के उनको धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ साफ स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि उनके आंख के नीचे, उनके पैर पर और कई जगह अंगूठों के निशान हैं, कि जब हम जोर से किसी को खींच निशान आते हैं, निशान है। फिलहाल अभी पुलिस पूछताछ के लिए, चूंकि उनको बुलाई थी 13 मई को सुबह और तब उनकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि इस केस से जुड़े बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं अलग अलग तरीके की। अगर अभी फिलहाल गिरफ्तारी तो हो चुकी है और आगे की कार्रवाई में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है, पूछताछ का दौर जारी है विभव के साथ। और चूंकि ये मामला अभी इलेक्शन के पहले ज्यादा तूल पकड़ लिया, ये खबर मैं कहूंगा कि इंडियन न्यूज ने सबसे पहले चलवाई थी और ये खबर बहुत कम लोग चला रहे थे। और अब चूंकि ये टॉक ऑफ द टाउन, जिसको हम कहते हैं, चर्चा का विषय हो गई है खबर। जी जी यशोवर्धन, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जानकारी के लिए न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।